नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, मुंह के स्वाद में बदलाव होना, दस्त होना, कब्ज होना, पेट में दर्द होना और ब्लड शुगर लेवल ज्यादा कम होना आदि साइड इफेक्ट्स ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को खाना खाने से तुरंत पहले या खाना खाने के बीच में लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को दिन में 1 से लेकर 2 बार लेने की सलाह देते हैं। ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और ब्लड शुगर के लेवल के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। किडनी फेलियर होने पर, हार्ट फेलियर होने पर, लिवर की कोई गंभीर बीमारी होने पर, टाइप 1 डायबिटीज होने पर, कोई सर्जरी होने पर, डायबिटिक कोमा होने पर और कीटोसिस होने पर ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ग्लूटोविन फोरेट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।